बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में 7 जून को अचानक कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने उछाल पकड़ी और 115 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 2886 तक पहुंच चुका है और एक्टिव केस अर्थात कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1079 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ अब नवी मुंबई महानगर पालिका ने कोविड-19 के प्रादुर्भाव को नियंत्रण में लाने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के तहत ठेके और करार पद्धति पर वैद्यकीय और निम्न वैद्यकीय मनुष्य बल सेवा भर्ती करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसी के तहत 10 से 20 जून कलावधि में इच्छुक उम्मीदवारों की सीधे तौर पर इंटरव्यू लिया जाएगा। सरकार की अब नई गाइडलाइंस आई है और इस नई गाइडलाइंस के तहत कोविड-19 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों में अगर कोरोना वायरस के 100 लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जगह ऐसे मरीजों को घरों में ही आइसोलेशन में रखने की हिदायतें दी गई हैं और जिसके तहत उन्होंने मार्गदर्शन सूचनाएं भी जारी की हैं। घरों में होम क्वारंटाइन का योग्य व्यवस्था होना आवश्यक है। वैद्यकीय अधिकारी की सलाह अनुसार व्यक्ति के निकटवर्ती व्यक्ति को प्रोटोकॉल हाइड्रोक्सिड क्लोरीन की उचित मात्रा लेना होगा। मरीज को खुले में थूकने और खांसने की भी अनुमति नहीं होगी। मगर सवाल ये उठ खड़ा है कि कब तक रखना पड़ेगा होम क्वारंटाइन। बता दें कि लक्षण पाए जाने के बाद 17 दिन और 10 दिनों तक अगर बुखार नहीं आता है तो ऐसी सूरत में उसे होम क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया जाएगा। सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि कोरोना संक्रमण के 100 लक्षण पाए जाने वाले लोगों को अगर होम क्वारंटाइन में रखा जाता है तो ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने वालों को क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। बता दें कि उस व्यक्ति को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना होगा, समय समय पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, बार बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, मरीज को छूने से उसे टालना पड़ेगा, अगर मरीज के छुए हुए कोई सामान को छूना पड़े तो सावधानी पूर्वक हाथ धोना पड़ेगा, मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान और बर्तन को अच्छी तरह से साफ करके अपने हाथ को भी साबुन से साफ करना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं ऑल इज वेल की तरफ। आज नवी मुंबई में ऑल इज वेल ये रहा कि नवी मुंबई में 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा बढ़कर 1718 तक पहुंच चुका है और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों का आंकड़ा 60% दर्ज किया गया है। दुखद घटना ये भी रही कि नवी मुंबई में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। बता दें कि आज करावे गांव के रहवासी 52 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसी के साथ मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 89 तक पहुंच चुका है। 8 डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल हैं 15 महिलाएं और 26 पुरुष। बता दें कि 8 डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 1 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किया गया, नेरू से 6 महिलाएं 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, तुरभे से 1 महिला 6 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, कोपेखेड़ने से 4 महिलाएं 3 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, घनसोली से 2 महिलाएं 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, से 2 महिलाएं 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए और दिखा से 1 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुआ। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं कि नवी मुंबई के किन विभागों में कितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। सबसे पहले बढ़ते हैं एरोली की तरफ। एरोली से 21, घनसोली से 3, कोपेखेड़ने से 17, नेरुल से 16, तुरभे से 18, वाशी से 21, दिघा से 3, जुईनगर से 5, रबाले से 6, सानपाड़ा से 4 और बेरापुर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। बता दें कि आज एरोली से सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 ए से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, सेक्टर 15 से 2, गणेश नगर से 3, चिंचपाड़ा से 2, एरोली से 2, सेक्टर 16 से 2, यादव नगर से 1 और सेक्टर 1 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली से 1, नौसिलनाका से 1, सम्राट नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया, तुरभे स्टोर से 1, हनुमान नगर से 1, सेक्टर 22 से
सबसे अधिक 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए शिव शक्ति नगर से 2, सेक्टर 21 से 3, तुरभे गांव से 1, केकेआर रोड से 1, इंदिरा नगर से 2 और तुरभे से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। वाशी की तरफ बढ़े तो सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 9 से 2, कोपरी गांव से 3, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 11 जुहू गांव से 1, सेक्टर 30 से 1, वाशी गांव से 5, सेक्टर 14 जुहू गांव से 1, वाशी से 1 और सेक्टर 28 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बेलापुर की बात करें तो सेक्टर 14 दिवाले से 1, वहीं कोपर खेड़ने के सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 20 से 1, पावनी गांव से 2, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 22 से 1, सेक्टर 19 से 2, कोपर खेड़ने से 2, सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 12 डी से 1, सेक्टर 12 बी से 1, पावनी से 1, सेक्टर 18 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 13 से 1, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 17 से 1, शिरौने से 4, सेक्टर 46 से 1, सेक्टर 54 सीवुड से 1, सेक्टर 27 से 1, करावे से 1, सेक्टर 6 से 1 और नेरू से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दीघा की तरफ बढ़े तो बिंदु माधव नगर से 1, संजय गांधी नगर से 1, ईश्वर नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जूही नगर की बात करें तो सेक्टर 11 से 1 और सेक्टर 23 से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। रबाले गोठिवली से 1, पुलिस कॉलोनी से 2, गौतम नगर से 1, भीम नगर से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जबकि सानपाड़ा की बात करें तो सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 14 से 1 और सानपाड़ा से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या रही। बता दें कि आज सबसे चिंताजनक बात ये रही कि 0 से 10 की एज ग्रुप में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, 11 से 20 की एज ग्रुप में 10, वहीं 21 से 30 की एज ग्रुप में 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, 31 से 40 की एज ग्रुप में 21, 41 से 50 की एज ग्रुप में 27 और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तो चलिए डालते एक नज़र कि आज नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। नेरुल 55 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 नेरुल 23 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 वाशी 79 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 54 सीवुड 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 52 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 9 वाशी 33 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 9 वाशी 34 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, पुलिस कॉलोनी रबाले 28 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 एरोली 34 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, पुलिस कॉलोनी रबाले 16 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, यादव नगर एरोली 65 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 एरोली 51 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, गौतम नगर रबाले 22 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, भीम नगर रबाले 26 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 एरोली 37 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, ईश्वर नगर इल्ठन पाड़ा दीघा 48 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, घंटसोली 22 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 ए एरोली 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 ए एरोली 52 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, एरोली 28 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, भीमनगर रबाले 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 ए एरोली 27 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, गणेश नगर चिंचपाड़ा 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, गोठिवली रबाले 20 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, कोपर खैरने 23 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 12 डी कोपर खैरने 5 वर्षीय लड़की कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 11 नेरुल 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, संजय गांधी नगर दीघा 62 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, गणेश नगर चिंचपाड़ा 25 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, तुरभे गांव 68 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, चिंचपाड़ा एरोली 24 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 27 नेरुल 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 कोपर खैरने 24 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 19 कोपर खैरने 38 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 एरोली 4 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, नौसिल नागा घंटसोली 25 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 एरोली 21 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 एरोली 23 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, बिंदु माधव नगर दीघा 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 6 एरोली 40 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव,
सेक्टर 12 बी कोपर खैंडे 63 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, कोपर खैंडे 49 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 ए एरोली 13 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, गणेश नगर चिंचपाड़ा 34 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 एरोली 57 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 20 कोपर खैंडे 27 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, केकेआर रोड तुरभे 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 30 वासी 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, इंद्रानगर तुरभे 43 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, इंद्रानगर गणपति पारा तुरभे 24 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, हनुमान नगर तुरभे 70 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 11 नेरुल 35 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 14 सानपाड़ा 49 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, गणेश नगर चिंचपाड़ा 61 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 सानपाड़ा 13 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, शिव शक्ति नगर तुरभे स्टोर 16 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, तुरभे 13 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, शिव शक्ति नगर तुरभे 1 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, शिव शक्ति नगर तुरभे 6 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 41 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, करावे गाँव नेरुल 52 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, शिरौने 5 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, शिरौने 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, शिरौने 14 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, शिरौने गांव 40 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 6 नेरुल 25 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सानपाड़ा 70 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, नेरुल 42 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 19 कोपर खैंडे 50 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, एरोली नवी मुंबई 59 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सम्राट नगर घनसोली 27 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, पावने MIDC 53 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, वाशी गांव 33 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 6 सारसोले 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 26 कोपरी गांव 30 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 23 जुई नगर 7 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 23 जुई नगर 36 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 23 जुई नगर 51 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, वाशी गांव 29 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 47 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 5 सानपाड़ा 42 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 कोपर खैंडे 16 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 14 जुहू गांव 29 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 54 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, कोपरी गांव 9 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 26 कोपरी गांव 45 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 13 नेरुल 49 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 9 वाशी 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 8 कोपर खैंडे 39 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 18 कोपर खैंडे 50 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 55 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 21 तुरभे 34 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 21 तुरभे गांव 41 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, पावने गांव नवी मुंबई 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 22 तुरभे 11 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 21 तुरभे 10 वर्षीय लड़का कोरोना पॉजिटिव, पावने गांव 20 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 कोपर खैंडे 42 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 कोपर खैंडे 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 कोपर खैंडे 50 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, वाशी नवी मुंबई 78 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 11 जुहू गांव 51 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 14 दिवाड़े गांव 40 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 23 जुई नगर 56 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 28 वाशी 46 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 11 वाशी 25 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 28 वाशी 45 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 वाशी 32 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 वाशी 51 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 11 जुई नगर 39 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, वाशी गांव 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, वाशी गांव 39 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव, वाशी गांव 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 एरोली 31 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जनसंख्या 13,340, कोरोना पॉजिटिव केस 7 जून 2020 यानी आज 115, कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 2,886, कोरोना के एक्टिव केस 1,079, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 27,185, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 10,049,
रिपोर्ट प्रलंबित 415, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 1718, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 7 जून 2020 यानी आज 41 और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 89। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।